नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार में बीजेपी अब एक बार आरजेडी का समर्थन करते नजर आ रही है। जी हां, राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो पर्सनली खुद चाहते हैं कि तेजस्वी यादव 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए। तेजस्वी यादव 2023 में मुख्यमंत्री बने और वो बिहार का नेतृत्व करें। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। पूरा कार्यकाल कर पाएगी? मुझे, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो चाहूंगा कि ये सरकार चले, और मैं तो चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द बिहार के मुख्यमंत्री बने, कहीं नीतीश जी फिर पलट नहीं जाए। क्योंकि इन लोगों का डील यही था कि दोनों दलों का मर्जर होगा और 2023 प्रारंभ होते होते तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके बारे में जगता बाबू ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था। और पिछले दिनों जगता बाबू का एक इंटरव्यू छपा एक अंग्रेजी अखबार में, इसमें कहा कि नीतीश जी को अब बिहार की गद्दी छोड़कर केंद्र में चला जाना चाहिए और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देनी चाहिए। और जगता ने तो यहाँ तक कहा कि जिस तरह बीपी सिंह ने त्याग किया था, उसी प्रकार नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, महागठबंधन के पास बहुमत है, सरकार उन्हीं की बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों कि तेजस्वी यादव हों। लेकिन नीतीश कुमार जल्दी गद्दी छोड़ने वाले लोगों में नहीं है। समझौता जो हुआ हो, अब कह रहे हैं कि अगले चुनाव में नेतृत्व करेंगे। अरे, अगला चुनाव कौन देखा है? अगले चुनाव में तो बीजेपी बिहार के अंदर सरकार बनाएगी, तेजस्वी को कहाँ मौका मिलने वाला है? तो लालू यादव जी, अगर चाहते तो जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। आपके पास 80 के करीब विधायक हैं और सहयोगी दलों के समर्थन के बाद आपके पास 114-115 से ज़्यादा MLA हैं। तो देखिए, 2023 नए साल में बिहार में काफी उथल पुथल होने वाला। तो देखा आपने किस तरीके से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि वो खुद चाहते हैं कि तेजस्वी यादव 2023 में मुख्यमंत्री बने और 2023 में बिहार में बीजेपी भी आएगी, और साथ ही साथ वो लालू यादव को ये सलाह देना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। उनके पास पार्टी का समर्थन है, 114 से 115 विधायक हैं उनके पार्टी में, अच्छी खासी समर्थन उन्हें मिलेगी, और अब वो खुद चाह रहे हैं कि बिहार का नेतृत्व 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनकर करें। तो आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।